माधुरी, एक सवाल और कि आप करण जौहर की अगली फिल्म कलंक भी करने वाली हैं। पहले श्रीदेवी उसको उनको उस फिल्म को करने वाली थी, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है। उस फिल्म के बारे में अगर कुछ बता पाए, स्टार बिल्कुल नहीं। वो क्या है, अगले साल अप्रैल में रिलीज हो रही है। हम किस महीने में है, मई में। तो एज अ प्रोड्यूसर मैंने इनको परमिशन ही नहीं दिया उस फिल्म के बारे में बात करने का। ऑल टाइम वो अभी अगले अप्रैल में उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तब उस फिल्म के बारे में आप जरूर पूछिएगा। अब क्या है इस फिल्म का नाम, बकेट लिस्ट। पहिल्या मराठी सिनेमासाठी करण, तुझं मनापासून अभिनंदन तुमचं। आणि आणखी मराठी सिनेमे तुम्ही आणणार आहात का, और मराठी सिनेमे आप लाना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली ये शुरुआत है, ये मेरी बकेट लिस्ट में भी था दैट आई वुड प्रेजेंट एंड प्रोड्यूस मराठी फिल्म्स। इनफैक्ट हाल ही में एक और स्क्रिप्ट मुझे आया है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड आई वॉन्ट टू एक्चुअली डू मच मोर इन ऑल लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन सिनेमा। आई थिंक मैं यही चाहता हूँ कि हम धर्मा प्रोडक्शंस हम अपने आप को इस तरह एम्पावर करें कि हम हर लैंग्वेज के अंदर घुस जाएं और वहाँ अपना अपना जो जो है अपना टैलेंट या अपनी एबिलिटीज वहाँ उस सिनेमा में दिखाएं। बिकॉज ऑलरेडी मुझे जब भी मैं देखता हूँ बहुत सारी मराठी फिल्म, ऑलरेडी हम सायराट को भी रीमेक कर रहे हैं, तो वी बीन ट्रैकिंग ऑल काइंड ऑफ सिनेमा मेड इन द कंट्री एंड वी होप टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दैट।